एक शानदार किस्म का चीज़ केक आप घर पे कैसे बना सकते हो? डोली ना जो भाई, इतना कोई नस्ली किस्म का चीज़ केक है और ये बनाना कैसे है? इजीली घर के अंदर कोई सिंपल सी कुछ चीज़ों से। और ये चीज़ केक बनाता कौन है? ये बनाती है मेरी भाभी। मैं जब भी लाहौर से आता हूँ तो ये एक दफ़ा उन्होंने बना के खिलाया और उसके बाद पराठा डा मगर ही पै गया कि खिलाओ 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 खिलाओ। चीज़ केक के लिए सबसे पहले ये एक बॉल पतीला डोंगा क्या है ये बस ये चाहिए और साथ में ये एक चाहिए। इसको तकरीबन 1.5-2 घंटे फ्रीज़र में रखना है। ये बिल्कुल ठंडा हुआ हुआ है और ये भी बिल्कुल ठंडा है क्योंकि इसके अंदर हमने क्रीम डालनी है। क्रीम के 2 पैकेट उसके अंदर डाल के उसको अच्छी तरह से व्हिप कर रहे हैं। जो हमने हसन को काम लगाया, हसन बैठा उसको कर जा रहा है। इससे अगला स्टेप क्या है? बिस्किट क्रश करने हैं। साड़ी भाभी जी है, मास्टर शेफ है, सिर्फ चीज़ केक बनाना है। ये बिस्किट क्रश करने के लिए हमने बिस्किट लिए हैं जी, कैंडी। अगर आपके इलाके में लोटस मिलता है वो भी ले सकते हैं, वो तो बेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें लोटस मिला नहीं, तो 4 पैकेट जो है 1, 2 और 2 इसके अंदर ऑलरेडी डाल दिए। तो ये 4 पैकेट कैंडी के डाल के इन्हें अच्छी तरह से घुमाटू देने और इसके अंदर वीटेबल भी डाल सकता है अगर कैंडी नहीं डालना। बिस्किट डांस। जितना भी बिस्किट हमने क्रश किया था उसमें से आधा निकाल के एक प्याली में रखना है और उसमें 1 टेबलस्पून बटर डालना है। 1 टेबलस्पून इसलिए डालना है, अगर ज़्यादा डालेंगे तो हो सकता है वो रोड़ियाँ जी या बंधन बिस्किट दिया, तो वो इसलिए ज़्यादा नहीं पाना। 1 टेबलस्पून डाल के उसको अच्छी तरह इस तरह कोलिया मिलिया करके फिर जो डिश है उसके अंदर हमने एक पेपर लगाया हुआ है उसके अंदर सारा ऐसे सीधा बिस्किट। ये इसको बिस्किट की जो पूरी नीचे है इसको थोड़ा सा नरम रखने के लिए इस पर थोड़ा थोड़ा सा पानी बरसाया जा रहा है। ये बिस्किट वाली इस ट्रे को हम थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे। कितनी? 10-15 मिनट। हाँ बस इतनी, 10 से 15 मिनट रखेंगे ताकि थोड़ा सा जो है वो लेयर हार्ड हो जाए। अब जितनी देर हमने बिस्किट फ्रिज में रखे हैं तो ये क्रीम चीज़ है, ये 240 ग्राम है, तो हम इसमें से 200 ग्राम डालेंगे। डालें जी 200 ग्राम इसके अंदर। इसको इतना मिक्स करना है कि नरम टाइप हो जाएगी, थोड़ा सा हल्का सा लिक्विडी फॉर्म के अंदर चला जाइए। ठीक है, 1/2 कप शुगर इसके अंदर डाल दें, पाउडर। ये आ गई जी हमारी 1/2 कप शुगर। अब इसको फिर से मिक्स करेंगे जी। रोड़ियां बन गई, फिर इसके बाद आपने 2 लीमू डालने हैं। हमने पहले से लीमू का जूस निकाल के रखा हुआ है वो डाल के, और ये है जेलीटन जो इसको जेली टाइप फॉर्म के अंदर लेके जाएगा, मतलब चीज़ केक को संभलने में ये मदद करेगा। डाल दो अभी। जो क्रीम हमने अंदर रखी थी वो निकालने का टाइम आ गया और चमची के अंदर गैप हो गई। ये जो क्रीम हमने फ्रिज में रखी थी वो जो अभी हमने मिक्सर बनाया है उसके अंदर डाल देंगे। अभी तक हमने जेलीटन नहीं डाला, वो साथ में वैसे ही पड़ा हुआ है। ओए होए कैसे जा रही है क्रीम। ये हमारे पास 3 टीस्पून जेलेटिन है, इसके अंदर गर्म पानी डाल दें। ये आया इसके अंदर गर्म पानी और तकरीबन उतना ही पानी है जितना जेलेटिन था। अब इसको मिक्स करना है अंदर। अगर आप सोच रहे हो कि जेलेटिन में गर्म पानी क्यों डाला है, सादा पानी क्यों नहीं डाला, तो उसमें गर्म पानी डालना इसलिए ज़रूरी है कि उसके लम्ब्स निकल जाएँ, वरना वो अगर आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर पानी डालोगे या ठंडा डालोगे तो हो सकता है कि उसके वो गोल गोल, हो सकता है नहीं, बन जाएंगे वो गोल गोल ऐसे ना डुंडुनिया टाइप बन जाती है, फिर वो खाते हुए चीज़ केक के अंदर वो भी वैसे मज़े की लगती है। पिछली दफ़ा वो हो गया था तो इसलिए उसमें गर्म पानी डालना है। अब ये जो बिस्किट हमने फ्रिज में रखे हुए थे ये निकालने का टाइम आ गया क्योंकि बिस्किट की इस लेयर के ऊपर जो हमने सारा मिक्सर बनाया है वो डालना है। ये गया जी हमारा सारा मिक्सर जिसके अंदर हमने जेलेटिन जेलेटिन चीजें सारी डाली थी। ये हमारा फाइनल स्टेप है ना लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारा मिक्सर जो है वो कम्प्लीटली रेडी है। नीचे से बिस्किट आए हाय। अच्छा, अब इसको मैं रख रहा हूँ फ्रीजर में क्योंकि अगर आप फ्रीजर में रखेंगे तो 2 घंटे रखना है और अगर आप फ्रिज में रखेंगे तो 4 घंटे रखना है। तो ऑलरेडी शाम हो रही है, इसको हमने जल्दी से खाना है तो इसलिए मैं फ्रीजर साइड पे रख रहा हूँ। अगर आपके पास तसल्ली बख्श टाइम हो तो इसको 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना। जितनी देर हमारा चीज़ केक ठंडा हो रहा था उतनी देर हम लोग खाना खाने बाहर आए हैं विद फैंसी और हसन, और हम लोगों ने मंगवाया जी बर्गर। बीफ इनके पास था नहीं तो चिकन मंगवाना पड़ा है, चिकन बर्गर है स्पेशल। और साथ में पास्ता कौन सा फैंसी? अल्फ्रेडो।
कौन सा? अल्फ्रेडो अल्फ्रेडो पास्ता हमने मंगवाया है और ऊपर इन्होंने चीज टिप टिप की हुई है। अभी जुड़ते हैं फिलहाल इसे। चीज केक की एक अलग से इतनी मजेदार खुशबू है और ऊपर जो बिस्किट्स डाले हुए हैं उनकी एक अलग से वो बीच में जो है ना वो मजा ऐड करते हैं। जब भी ये चीज केक घर में बनता है तो 1, 2, 3 मैक्सिमम ये 4 स्लाइस यहाँ तक जो है वो घर में सब एक एक स्लाइस ले लेते हैं, खा लेते हैं। बाकी यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो चीज़ केक ये 3 दिन में तकरीबन 3 दिन में 2 दिन में कभी सारा मैं उड़ाता हूँ। तो मुझे बहुत पसंद है ये चीज़ केक, तो इसलिए मैंने कहा इसकी रेसिपी शपैक गैंग पे शायद आपने एक वीडियो में देखा भी था और आप लोगों ने काफ़ी कॉमेंट्स भी किए थे कि इस चीज़ केक की रेसिपी मिलनी चाहिए। मैं केक्स वगैरह काटने में बहुत बुरा हूँ, मैं पूरे केक की शक्ल ख़राब कर देता हूँ अगर ये काम मेरे हाथ में दिया जाए। तो मैंने ऑलरेडी इसके 4 पीसेज जो है वो 6 पीसेज मैंने कटवा ली अंदर से ही। इसमें अब इतना आला किस्म और ये इतना मतलब इतना मजेदार है, आपने इस पे स्पून रखना है और ऐसे कड़क करके सीधा चमचा अंदर और नीचे ऐसे नरम सी बिस्किट की लेयर होती है और मुझे ऑलरेडी इसका टेस्ट पता है, इंतहाई मजेदार। ये मैनू लगता सी सिर्फ मम्मी नाल होंदा, ये सारे नाल एवं होंदा। जिस दिन वीडियो बननी होंदी चीज़ डबल मज़ेदार हो जाती है। ओए होए यार, इंतहाई मज़ेदार आज। मतलब पहले बहुत मज़े का होता है, मेरा फेवरेट चीज़ केक है ये, लेकिन आज तो अन्नी डाल दी उनका वीडियो ही पता नहीं, लोगों ने खा के देखना और चंगा बनाता भाई। एक अलग फील है इसकी। अगर आपको क्रीम चीज़, मुझे वैसे क्रीम चीज़ वैसे भी बहुत पसंद है, अगर आपको क्रीम चीज़ पसंद है तो आपका फेवरेट है। नीचे बिस्किट इसमें कैंडी डाला हुआ है, कैंडी का मैं मतलब मुझे कैंडी अच्छा लगता है, तो अगर आपका मतलब लोटस यहाँ से मिले तो मैं प्रेफर करूँगा। अगर आपको लोटस मिलता है तो लोटस की नीचे सारी आप लेयर डालो, यहाँ पे लोटस नहीं मिला तो कैंडी की सारी डाली हुई है और वीटेबल भी डाल सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा टेस्ट लेना, लेकिन सुपर ना पान बह जाना हम तले। इस केक की सबसे मज़ेदार चीज़ ये है कि केक को मुंह में डालते ही सारा जो एकदम से घुल जाता है अंदर और फिर थोड़ा सा एंड पे जो रहता है उसको आप हल्का सा बस ऐसे दांत से थोड़ा सा ऐसे करते हैं तो बिस्किट का साथ साथ जो मज़ा आता है तो वो चीज़ इसमें बड़ा मज़ा करवाती है। और ऊपर साइडों पे चॉकलेट सिरप डाला हुआ है तो वो हर स्लाइस में थोड़ा थोड़ा आता है, वो एक अपना अलग मज़ा ऐड करता है। अभी वैसे मैं बाहर से काफ़ी हैवी खाना खा के आया हूँ जो मैंने दिखाया था, उसके बाद हमने कॉफ़ी भी मोल्टन लावा भी खाया, तो उसके बाद आके ये खा रहा हूँ, वरना 2 स्लाइस तो कटता डपरा गल नहीं करता। और जो हालात चल रहे हैं ना, मेरी भाभी के मुकाबले में मुझे अब आपकी भाभी लानी पड़ेगी, कुछ सोचना पड़ेगा। खैर इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई तो मस्त लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, कुछ भी दिल करे भाई को दुआओं में याद रखना और इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्ट है और प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना अगर नहीं किया।